नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायक जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके अंदर शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर हमारे सफेद धब्बे हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सफेद धब्बे। ना मैं विटिलिगो की बात कर रहा हूँ, ना ही ल्यूकोडर्मा की बात कर रहा हूँ, फिर भी इस बीमारी के अंदर भी हमें सफेद धब्बे हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो छोटे छोटे से सफेद धब्बे हमें इस तरह के, यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ, इस तरह के सफेद धब्बे हमें छोटे छोटे से हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। खासकर हाथों पे और पैरों पे हमें इस तरह के धब्बे देखने को मिलते हैं। इसमें और कोई तकलीफ हमें होती है देखने को नहीं मिलती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इडियोपैथिक गट्टेट हाइपोमिलानोसिस। दोस्तों एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हमारी वैद्यकीय भाषा में टीनिया वर्सिकलर, वो इस तरह से दिखाई देती है। ये अलग होती है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे हिंदी में अक्सर हमारे रीजन में इसे शेरनी के नाम से पहचानते हैं। शेरनी हो गए बोले तो ये टीनिया वर्सिकलर है। ये और इडियोपैथिक गट्टेट हाइपोमिलानोसिस, ये और विटिलिगो, ये तीनों ही अलग अलग बीमारियां हैं। तीनों आपस में दिखने को एक जैसी है क्योंकि सफेद धब्बे हमें स्किन के ऊपर होते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग बीमारियां हैं, ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो आज विस्तार में बात करेंगे हम इडियोपैथिक गट्टेट हाइपोमिलानोसिस की। तो बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारी संख्या में मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप वो जानकारी आसानी से हासिल कर पाऊंगे। तो चलिए बात करते हैं इडियोपैथिक गट्टेट हाइपोमिलानोसिस की। ये बीमारी जो है वो खासकर हमें बढ़ती उम्र के अंदर देखने को मिलती है, ओल्ड एज के अंदर खासकर हमें देखने को मिलती है। और सफेद चट्टे गिर जाते हैं तो कई बार घबरा जाते हैं लोग कि अरे बाबा ये क्या हो गया, मुझे कई दांत की बीमारी तो नहीं होगी, मुझे कुछ लेप्रसी तो नहीं हो गया। तो घबराने वाली बात नहीं होती, इतनी बहुत बड़ी बीमारी ये नहीं होती है, लेकिन घबराहट की वजह से बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर उपाय योजना करना शुरू कर देते हैं और कंडीशन को कम करने की जगह कई बार बढ़ा देते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, यूनिफॉर्म व्हाइट स्पॉट्स हमें स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं। खासकर ये व्हाइट स्पॉट्स हमें हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। और ये व्हाइट स्पॉट्स सन एक्सपोजर की जो एरिया सन को एक्सपोज होता है, इवन ये जो वी होता है हमारे गले का, वहां पे भी हमें ये व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी स्किन का एरिया हमारा सूरज के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, ऐसे एरिया के अंदर हमें ये स्पॉट्स होते हुए देखने को मिलते हैं। और ये एक्वायर्ड कॉज है रिड्यूस पिगमेंटेशन का, जिसमें स्किन के अंदर पिगमेंटेशन कम हो जाती है और इसीलिए सफेद वहां पे धब्बे हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि यंग एज में ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है कंडीशन। यदि 100 पेशेंट इसके मैं देखूं तो इसमें से हार्डली 20 पेशेंट ऐसे होंगे जो 30 साल के कम उम्र के हमें देखने को मिलेंगे, यानी 20% पेशेंट 30 साल से कम वाले हमें देखने को मिलते हैं। 80% के पेशेंट हमें 70 ईयर्स से ज्यादा की देखने को मिलते हैं। और ये बीमारी जो है ये हमारे रीजन में, यानी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमें खासकर देखने को मिलती है। साउथ ईस्ट एशिया में इसका बहुत ज्यादा प्रमाण हमें देखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में होती है या सिर्फ पुरुषों में होता है, ऐसा नहीं है, इक्वली हमको महिला और पुरुषों के अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है। तो घबराना नहीं है इस बीमारी से, और बहुत ही सिंपल है, इससे कोई खास तकलीफ हमें होती भी देखने को नहीं मिलती। अब जानेंगे इसका कॉज क्या है। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये इडियोपैथिक गट्टेट हाइपोमिलानोसिस है, तो इडियोपैथिक यानी जिसका कोई कॉज पता नहीं हो, तो इसका भी हमें कोई एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हमें हमारे शरीर के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। जैसे कि जेनेटिक्स इसके अंदर रोल प्ले कर सकता है, किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री है, हेरिडिटी है किसी को, तो ऐसे लोगों के अंदर हमें ये फैलता हुआ देखने को मिलता है, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर हमें ये तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है। दूसरा है अल्ट्रावायलेट लाइट, जैसा कि मैं बता रहा था सन एक्सपोज रीजन में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सन के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसकी वजह से हमारे स्किन के अंदर इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे हमारी जो स्किन है वो मिलेनोसाइट्स जो होते हैं, मिलेनिन का जो सिंथेसिस है, वो उम्र के हिसाब से कम कम होता चले जाता है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, एज रिलेटेड हमारे डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है मिलेनोसाइट का प्रोडक्शन। अब मिलेनोसाइट वो सेल्स होती है जो मिलेनिन बनाती है, और मिलेनिन वो पिगमेंट होती है जिससे हमारे स्किन का
ब्लैक कलर या सावला कलर हमें देखने को मिलता है। अब यही अगर नंबर में कम हो गए तो हमें वहां पे इस तरह के सफेद धब्बे अक्सर देखने को मिल जाते हैं। चौथा है, यदि कहीं पे कोई ट्रॉमा लग जाए, कहीं पे कोई मार लग जाए, खासकर हमारे घुटनों के नीचे के हिस्से में जैसे हम शिन कहते हैं, वहां पे यदि मार लग जाता है तो वहां पे ट्रॉमा की वजह से भी हमको इस तरह के सफेद धब्बे देखने को मिलते हैं। ये बहुत सारे नंबर में हमें देखने को मिलते हैं, एक दो नहीं, काफी सारे नंबर में हमें देखने को मिलते हैं। शेप की यदि बात करें तो राउंड और ओवल शेप के हमें देखने को मिलते हैं, और इनका जो डायमीटर है वो काफी छोटा हमें देखने को मिलता है, 0.5 से 5 मिलीमीटर का ही डायमीटर हमें देखने को मिलता है, यानी छोटे छोटे धब्बे होते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा चट्टा सफेद रंग का इस बीमारी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये भी देखा गया है कि इस बीमारी के अंदर ये जो धब्बों की साइज है वो बढ़ती नहीं है, एक बार जो साइज है वही साइज हमें यूजुअली इन धब्बों की देखने को मिलती है, साइज बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें देखने को नहीं मिलती है। यदि यंग लोगों की बात करें जिनकी उम्र कम है, तो उनके अंदर हमें पूरे शरीर पे उनके हार्डली 4-5 ही स्पॉट्स इस तरह के व्हाइट कलर के देखने को मिलेंगे। वही ओल्ड एज की अगर यदि हम बात करते हैं, 50 के ऊपर यदि कोई बंदा है और उसके स्किन के अंदर बात करते हैं, तो उनके अंदर हमें बहुत ज्यादा स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं, 30-50 स्पॉट्स हमें उनके शरीर के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, जिनका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 3 मिलीमीटर तक हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई और सिम्टम लक्षण हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई और तकलीफ इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, ना ही खाज होती है, ना ही जलन होती है, ना ही सेंसेशन जाता है, बस वो व्हाइट कलर के स्पॉट्स हमारे स्किन के ऊपर गिर जाते हैं। अब ऐसे में आप पूछोगे कि डॉक्टर साहब इसका इलाज क्यों कराना है, तो है, हाँ नहीं कराए तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कराते इसलिए है क्योंकि कई लोग इसको एस्थेटिक्स के हिसाब से देखते हैं, उनका जो लुक है, लुक के लिए बहुत लोग कॉन्शियस होते हैं, तो लुक को सुधारने के लिए इसका इलाज अक्सर कराते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा क्या है कि कई बार इस तरह के धब्बे वगैरह यदि विजिबल एरियाज में आ जाते हैं, तो कई बार इससे कॉन्फिडेंस इंसान का लो हो जाता है, और कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से उसके बाकी के जो काम है वो इफेक्ट हो जाते हैं, तो ये एक रीज़न हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमें इस कंडीशन में भी देखने को मिलती है, इसीलिए इसका इलाज तो कराना है लेकिन घबराना हमें नहीं है। तीन चीज़ें हम इसे इस पे कर सकते हैं, एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस हमें यहाँ पे करना है ट्रीटमेंट के अंदर, दूसरा है हम इसको ट्रॉपिकली क्या लगा सकते हैं इसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगा, और वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ है जो इस कंडीशन में आपको मदद करेंगी इन धब्बों से छुटकारा दिलाने में, इन सभी के बारे में आज बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैनेज करना है, पेशेंट को बताना है कि ये बीमारी क्या है, इसका कारण क्या है, और उनको समझाना है कि घबराने वाली बात नहीं है, वरना घबराहट में अक्सर लोग बहुत सी मन से ही दवाइयाँ शुरू कर देते हैं और उसके इफेक्ट्स की जगह साइड इफेक्ट ही हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है इसका हमें सन प्रोटेक्शन जरूरी होता है, कोई भी अच्छा सा सनस्क्रीन लोशन आपको जरूर लगाना है, खासकर सन एक्सपोज्ड एरिया में आपको लगाना है, जिससे ये धब्बे हमें कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं, और अच्छी तरह से लगाना है, SPF उसका 30 या उससे ज़्यादा रखें। कई होम्योपैथिक सनस्क्रीन लोशंस भी आपको मेडिकल पे अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे, तो उनमें से कोई एक सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं। तीसरा है, आप अवॉइड कीजिए ट्रॉमा को, यदि आपको ट्रॉमा लगता है तो उससे भी हमें ये तकलीफ होती है देखने को मिलती है, तो यदि ट्रॉमा को अवॉइड करेंगे तो इस तकलीफ से बच रहेंगे। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। तो दोस्तों होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती है वो लंबे समय तक इस कंडीशन में हमें लेनी होती है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक के, लगभग 1 साल तक के होम्योपैथिक दवाइयों से इस कंडीशन का हम ट्रीटमेंट करते हैं, तब कहीं जाके इसमें हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो थक हार के बीच में 1-2 महीने दवा लेके कृपया दवा ना छोड़िए, और दवाइयाँ हो सके तो अनुभवी डॉक्टर चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही ले, मन से दवाइयाँ लेना अवॉइड कीजिए। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ है जो इस कंडीशन में आपकी मदद कर सकती है। तो सबसे पहले सल्फर, सल्फर एक बहुत ही अच्छी दवा है, ग्रेट एंटीसोरिक है, और हमने देखा है कि सन के एक्सपोजर की वजह से बहुत सी जो तकलीफें होती है वो सल्फर के अंदर कवर होती है, तो उसी तरह ये जो स्किन का डैमेज है वो भी सल्फर बहुत अच्छी तरह से कवर करता है, खासकर यदि स्किन वहाँ पे चट्टों के आसपास की स्किन डार्क हो गई हो और चट्टे वहाँ पे अपीयर हो गए हो, इस तरह का यदि हमें सीन देखने को मिलता है तो सल्फर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। इसके अलावा सल्फर का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं होता है, उसकी जो आदतें होती है वो नहाता नहीं है रोज, इस तरह की आदतें हमें सल्फर के रोगी के अंदर देखने को मिलती है। तो यदि ऐसा कोई पेशेंट आपको देखने को मिलता है तो सल्फर 30 की 2-2 बूंदें सुबह शाम पेशेंट को अवश्य दें, जिससे उसे आराम हो जाए।
दोस्तों इसकी दूसरी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस भी एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है और बहुत अच्छी तरह से काम करती है। फास्फोरस के अंदर पेशेंट को अक्सर इन चट्टों के साथ में कोई और तकलीफ की वजह से जलन वगैरह जैसी सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगी। डायबिटीज भी अक्सर पेशेंट को रह सकता है और डायबिटीज और जलन न्यूरोपैथी के साथ में यदि इस तरह की चट्टे हमें देखने को मिलते हैं तो फास्फोरस से बहुत अच्छी तरह से इन चट्टों के ऊपर इलाज किया जा सकता है। तो फास्फोरस 30 भी ऐसे रोगियों को हमें दो दो बूंद सुबह शाम देना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। हमने देखा है हाइड्रोकोटाइल के केस में कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ पे भी ये क्रॉनिक कंडीशन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोकोटाइल के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। आपको हाइड्रोकोटाइल की 20-20 बूंदे सुबह शाम आधा कप पानी में लेना है, दवा के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है। और साथ ही साथ रात को सोते वक्त कॉटन पे हाइड्रोकोटाइल का मदर टिंचर लेके जहाँ जहाँ पे व्हाइट स्पॉट्स है वहाँ वहाँ पे आपको ये दवा लगानी है। तो ये सभी चीज़ें यदि आप करोगे तो आप देखोगे कि इससे हाइड्रोकोटाइल से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इस कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी इंडिविजुअल टोटलिटी के हिसाब से और भी होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके केस में सुटेबल हो सकती है और वो इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि वो जो दवाइयाँ है वो एक अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। तो उसका एक बार मार्गदर्शन जरूर ले लीजिएगा। आपके आसपास में कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर आपको अच्छा मार्गदर्शन इस सिलसिले में करेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो इडियोपैथिक गटेड हाइपोमिलानोसिस के बारे में, जिसकी रिक्वेस्ट भी आई थी। आशा करता हूँ ये जो मैंने जानकारी दी आज के वीडियो में ये आपको पसंद आई होगी और इसमें जो दवाइयाँ मैंने बताई वो भी आपको समझ में आई होंगी। तो यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है या यदि आपको देखने को मिलता है कि कोई पेशेंट है जो इस तकलीफ से ग्रस्त है तो आप ये वीडियो उसे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए जिससे वो भी इन दवाइयों का फ़ायदा ले सके और अपनी तकलीफ से छुटकारा पा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने लेके फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।